में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही अगले सत्र के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ये हम आपको बताते हैं। और अगले सत्र की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, एक खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन और मेरी रिसर्च टीम, जिसमें आशीष बताएंगे आज के बाजार का पूरा लबोलवाब क्या एक्शन रहा है खबरों के दम पर। कुशल बताएंगे कोरोना का आईटी कंपनियों पर कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और मानसी से हम जानेंगे सीमेंट शेयरों में मजबूती की बड़ी वजह आखिर है क्या। और पूजा बताएंगी कि लॉकडाउन का एनबीएफसी पर कितना असर हम देख रहे हैं और आगे कितना असर दिखेगा। देवांशी हमें बताएंगी कि ऑटो सेक्टर क्यों फोकस में है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज बाजार में किस तरह का कारोबार रहा है। बाजार की बात करें तो बाजार में पिछले हफ्ते की तेजी आज कंटिन्यू नहीं रह पाई, बरकरार नहीं रह पाई। आज बाजार की शुरुआती गिरावट के साथ हुई और 3:30 बजे जब बाजार बंद हुआ तो निफ्टी में 118 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। वहीं सेंसेक्स में 470 अंकों की बड़ी गिरावट देखी गई। आज बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने बनाया है। इसके अलावा रियल्टी शेयरों में भी आज काफी गिरावट देखने को मिली है। तो ये था आज का मार्केट का एक्शन। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आज के बाजार में जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो अगर FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करें तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1244 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1097 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो आज दोनों तरफ से बिकवाली की खबरें आई हैं। और अब बात करते हैं कि आज के बाजार पर एडिटर्स टेक है क्या, और ये हमारे साथ बताने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज के सत्र को ओवरऑल आप किस तरह से देखेंगे? लंबे वीकेंड के बाद आज मार्केट ओपन हुआ था, पहला कारोबारी दिन था, ओवरऑल क्या व्यू होगा आपका आज के सत्र पर? पिछले हफ्ते गुरुवार को 9100 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद आज जब 3 दिनों की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार खुले तो शुरुआती संकेत थोड़े से कमजोरी के थे। वैसे अमेरिकी बाजारों में गुरुवार को तेजी रही, लेकिन आज डाउ फ्यूचर्स चूंकि कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, कच्चा तेल फिर से थोड़ा दबाव में आता हुआ दिखा। रुपया ठीक ठाक सा था, बहुत मजबूत नहीं। कोरोना के आंकड़े कोई बहुत राहत देने वाले न अमेरिका और यूरोप में है न हिंदुस्तान में। हाँ, बहुत बुरे भी नहीं लेकिन बहुत राहत देने वाले भी नहीं। इन सब संकेतों के बीच में भारतीय बाजारों ने शुरुआत थोड़ी कमजोरी के साथ की, लेकिन थोड़ी ही कमजोरी थी, कोई बहुत ज्यादा कमजोरी हो वैसा नहीं है। 9100 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी तो 8900 के आसपास खरीदारी भी, और फाइनली 9000 के अहम आंकड़े के बेहद करीब जाकर बाजार बंद हुए। उसकी एक वजह यह भी है कि चूंकि कल बाजार बंद है, छुट्टी का दिन है, प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी है, तो लॉकडाउन को लेकर आगे किस तरह के संकेत मिलते हैं और 2 दिनों के बाद कोरोना को लेकर किस तरह के डेवलपमेंट दुनिया भर में दिखते हैं, तो उसको लेते हुए थोड़ी सी सावधानी थी। गिरे क्यों नहीं? क्योंकि FIIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े बड़े दमदार आते हुए दिख रहे हैं, तो मोमेंटम तो स्ट्रांग है, निचले स्तरों से खरीदारी आ रही है। बढ़ने के लिए जो पुश चाहिए, जो ट्रिगर चाहिए, जो खबरें चाहिए, वो थोड़ी सी मिसिंग है। तो ऐसा लग रहा है कि 8000 से 9000 तक नॉनस्टॉप चलने के बाद बाजार यहां पर थोड़ा सा वक्त बिता रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बड़ा मूव किसी भी तरफ आए उससे पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला माहौल है। उम्मीद करें कि शायद बुधवार गुरुवार को एक बड़ा मूव बाजार को किसी भी एक तरफ डायरेक्शन के तौर पर दिखे। या तो हम 8600-700 को तोड़कर नीचे की तरफ फिर से जाएंगे, या 9150-9200 को पार करके नई तेजी के लिए तैयार होंगे। इसका जवाब शायद अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आपके सामने आ जाएगा। ये था बाजार का पूरा लबोलुबाब। लेकिन अब सवाल यह है कि आज कौन कौन सी ऐसी खबरें थी मार्केट में जिन खबरों के दम पर अलग अलग सेक्टर में एक्शन दिखा है, और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, आज बाजार में खबरों के चलते कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं
जहां पर बड़ा एक्शन दिखा है। बिल्कुल देखिए, गुरुवार की क्लोजिंग के आसपास ही बाजार में शुरुआत देखने को मिली और उसके बाद हमने देखा कि लगातार एक गिरावट का रुख था, बिकवाली का प्रेशर हावी था और आखिरी एक घंटे को अगर आप देखें तो बाजार में खासा सुस्ती थी। वॉलिटिलिटी का जो सूचकांक है विक्स, उसमें अगर आप देखें तो एक 3% की बढ़त देखने को मिली, हालांकि ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं थी बाजार में और पिछले 5 दिनों के हिसाब से अगर आप देखें तो आज बाजार में वॉल्यूम्स भी लो थे, लेकिन एक्शन भरपूर था और खासतौर पर अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर बना हुआ है जो लगातार खबरों में है, जहां पर लगातार खबरें आ रही हैं कि जो दवाई सप्लाई की जा रही है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला और आज के सत्र में भी आप देखिए कि बहुत बढ़िया रिबाउंड दिया है निचले स्तरों से। ग्लेनमार्क फार्मा में लगभग 21% की तेजी देखने को मिली थी, सन फार्मा एडवांस यहां पर 12% की तेजी और अरविंदो फार्मा लगभग 10% की तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली थी। सीमेंट एक अगला ऐसा सेक्टर था जहां पर आज के सत्र में तेजी थी, आज लगातार खबरें आ रही थी कहीं ना कहीं वापस से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो एक छोटे फेजेस में शुरू हो सकती है, इसका एक असर देखने को मिला। जेके सीमेंट, ACC, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो बढ़त के साथ बंद हुए। इसके अलावा अगर आप देखें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स, यहाँ पर आज बिकवाली का प्रेशर काफी ज्यादा देखने को मिला और रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी खासतौर पर वो स्टॉक जो मॉल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप फिनिक्स देखें, फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। DLF, ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लगभग 4-12% की गिरावट देखने को मिली। ऑटो सेक्टर पे लगातार एक मांग में धीमेपन का खतरा है, यहाँ पर CM के डेटा जो आए हैं वो भी सपोर्ट नहीं किया बाजार ने और देखिए आप TVS मोटर्स, M&M, मदरसन, सुमी, हीरो मोटो, तमाम दिग्गज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स और ऑटो इंडस्ट्री के स्टॉक्स अगर आप देखें तो हर जगह गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स लगातार काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि बाजार में वीकनेस दिखा रहे हैं और बाजार अगर रिबाउंड भी देता है तो बैंकिंग स्टॉक्स खासतौर पर इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और निजी स्पेस से RBL बैंक, जिसमें लंबे समय से हम देख रहे हैं कि एक गिरावट का रुख है, पर आज के सत्र में भी लगभग 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। FMCG स्टॉक्स पिछले दिनों काफी बढ़िया तेजी दिखा रहे थे और उसका असर आज देखिए कहीं ना कहीं थमते हुए दिखा और ऊपरी स्तरों से FMCG कंपनियों में भी बिकवाली हावी होती नजर आई। गोदरेज कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया, अमेरिको और इमामी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली हुई। ओके, तो ये ऐसे सेक्टर हैं जहां पर खबरों के दम पर हमने एक एक्शन का माहौल बनता हुआ देखा है, लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज की गिरावट में जो बड़े फाइनेंशियल शेयर हैं वो भी नहीं बच पाए, वो भी टूट गए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व भी 10% तक लुढ़क गए। क्या लगता है आपको, ऐसी गिरावट जब मार्केट में आती है तो इसके क्या संकेत समझे जाए? नहीं, सर्टेनली देखिए, ये जो भी कोरोना का जो एक कोहराम है, सर्टेनली उसका वर्स्ट अफेक्टेड अगर कोई सेक्टर है तो वो फाइनेंशियल्स ही है। और कितने दिनों से, भले मैं हूँ या अनिल जी हैं, हम लोग सब ने, सारे एनालिस्ट ने ही रोका है कि भाई अननेसेसरली फाइनेंशियल्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद लियर्ड नहीं हो और बॉटम फिशिंग नहीं करें, वहाँ पे नो लिवरेजिंग नो एवरेजिंग का एक नारा चला रखा है। और मैं यही कहूँगा MFIs जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे बहुत बड़ा एक डेंट पड़ रहा है। सारे जो 3 महीने की EMIs का जो मोराटोरियम है उसका बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा और आगे भी आने वाले दिनों में SMEs और MSMEs से हो सकता है कि डिफॉल्ट्स बढ़े। और लॉकडाउन अगर कल देखिए 10 बजे पूरी नजरें बनी हुई है किस तरीके से रहता है और अगर एक्सटेंड होता है तो सर्टनली और भी डेंट हो सकता है। तो ओवरऑल किस तरीके के स्टिमुलस आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो, और सरकार सर्टनली स्टिमुलस लाएगी भी, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। और कम से कम 6-9 महीना मुझे ऐसा लगता है कि लगेंगे ये सारे डेंट को ठीक होने में। सो फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा दूरी बनाए रखें ज्यादा अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर से थोड़ी दूरी ही बेहतर है। लेकिन अब संदीप जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि कल की छुट्टी के बाद जब परसों बाजार खुलेगा तो परसों के लिए इंट्राडे में अगर कोई ट्रेड करना हो तो आज के मार्केट को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं, अगले सत्र में यानी परसों कहां पर इंट्राडे के लिए ट्रेड करना ठीक रहेगा? या बिल्कुल, देखिए मार्केट में सर्टेनली अपॉर्चुनिटीज है और काफी दिनों से काफी अपॉर्चुनिटीज बता भी रहे हैं चैनल पे और काफी सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है।
डाउनसाइड मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिगर वाइज बन गया है 7,500-8,000 का रेंज है, और अपसाइड कहीं ना कहीं 9,200-9,300 से लेकर 9,500 ऐसा एक मानना है, और FIIs DIIs भी सेलर्स रहे हैं। सो ओवरऑल एक ट्रंकेटेड वीक भी है, सो मुझे ऐसा लगता है वीक्स भी एक लेवल में है, सो टाइम पास कहीं ना कहीं मार्केट करेगा, एक टाइम करेक्शन जैसा अनिल जी कह रहे थे वैसा देखने को मिलेगा। तो मैंने फार्मा के ऊपर काफी दिनों से काफी जोर दिया हुआ है, हेल्थ केयर एंड फार्मा। अगर आपने देखा होगा पिछले इसी शो में मैंने काफी बार वैल्यू पिक भी हो या इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, हमेशा मैंने यही सेक्टर से निकालने की कोशिश की है, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है एक इंट्राडे के तौर पे मैंने आरती ड्रग्स, जो कि मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, टारगेट्स भी अचीव हुए उस स्टॉक के, बट इंट्राडे में ये 678 के लगभग ये स्टॉक आज बंद हुआ है, 710 के टारगेट के लिए स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए बेट लगाया जाए और 660 का स्टॉप लॉस लगाए। और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल है, जो पोजिशनल तौर पर हेल्थ केयर का एक और दिग्गज कंपनी है, मुझे लगता है कि वहां पे भी क्योंकि बिजनेसेस में इंपैक्ट पड़ा नहीं है, लॉकडाउन का इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, और एक तरीके से सदाबहार बिजनेसेस हैं, तो मुझे लगता है कि 1286 का करंट मार्केट प्राइस है, 1350 से लेकर 1390 तक का टारगेट रखें और 1250 का स्टॉप लॉस लगाए, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया। ओके, तो इंट्राडे के लिए संदीप जी की पसंद है फार्मा सेक्टर में, फार्मा सेक्टर के शेयरों को संदीप जी इंट्राडे के लिहाज से पसंद कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी, एक और बड़ी चुनौती होती है, कई बार ऐसे माहौल में इंट्राडे का मार्केट समझ में आता नहीं है, तो ऐसे में अगर पोजिशनल ट्रेड किसी को करना हो तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से कौन सा शेयर अच्छा रहेगा और उसमें क्या टारगेट आप दे रहे हैं? देखिए, पोजिशनल के तौर पे मैंने अपोलो हॉस्पिटल का नाम लिया था, और बहुत सही आपका ये है कि मार्केट्स के डायरेक्शन को देख के भी करना है, क्योंकि अगर मार्केट कहीं भी अगर देखिए बंद है कल इंडियन मार्केट्स और यूएस मार्केट से क्यूज लेता है, ग्लोबल क्यूज कैसे रहते हैं, अगर कहीं भी कोई अगर बड़ी गिरावट आती है, गैप डाउन होता है, तो स्टॉक्स भी कैसे भी खुल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैवियट और ये वर्ड ऑफ कॉशन तो है ही है कि मार्केट ओपन कैसे होता उसके हिसाब से इंट्राडे पोजिशन लें, और पोजिशनल में भी कहीं ना कहीं ये मौका देखिए कि मार्केट को देखते हुए ही बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना के ही ज्यादा सेफर रहेगा। बाकी अपोलो हॉस्पिटल्स काफी ठीक लगता मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, वही 1286 के करंट मार्केट प्राइस है, 1250 का स्टॉप लॉस लगाए, 1350 से 1390 कम से कम 5-7 दिन की अवधि में मुझे लगता है कि अचीव करेगा। ओके, तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से अपोलो पर आपकी नजर रहेगी, चलिए ये अच्छी बात है कि फार्मा पर आपका भरोसा कायम है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि सीमेंट शेयरों में इतनी शानदार तेजी आज देखने को मिली है, इसके पीछे वजह क्या है, और वजह बता रही है मानसी, बताइए मानसी। सीमेंट सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली है, एक दो नहीं कुल 5 वजह हैं जो कि फिलहाल सेक्टर के लिए पॉजिटिव साबित होती हुई देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस का इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो पॉजिटिव चीज है सीमेंट सेक्टर के लिए वो आपको बता दें। सबसे पहले तो आप देखिए, सीमेंट प्लांट शुरू करने को मंजूरी मिलती हुई देखने को मिल रही है, सीमेंट समेत 15 इंडस्ट्रीज के कामकाज शुरू करने को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में हाईवे कंस्ट्रक्शन भी जारी रहेगा, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। कोरोना से कम प्रभावित इलाकों में काम जारी रखने की अनुमति मिलती हुई देखने को मिली है। ऑपरेटिंग खर्चों में लगातार कमी देख रहे हैं और इसी की वजह से सीमेंट सेक्टर को फायदा मिलेगा। कच्चे तेल में जो पिछले दिनों हमने गिरावट देखी, इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है जो कि सेक्टर देख रहा है। इसके अलावा खर्चों की अगर बात करें, पावर और बिजली के खर्चों में जो कटौती देखने को मिली है पिछले दिनों, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है सीमेंट सेक्टर के लिए, और इसी की वजह से काफी हद तक सीमेंट सेक्टर में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। इतना ही नहीं, सीमेंट कीमतों की अगर बात करें तो लगातार कीमतों में बढ़त भी देखने को मिल रही है। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन सीमेंट सेक्टर में आप देखिए, पूर्वी भारत को छोड़ उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत हर तरफ बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा उत्तर भारत में करीब 8% की बढ़त सीमेंट के प्राइसेस में देखने को मिल रही है। तो ये 5 बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर में काफी हद तक तेजी है, और आज के सत्र में भी तमाम सीमेंट स्टॉक्स जो है पॉजिटिविटी के साथ, बढ़त के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। ओके, तो ये वजह है कि सीमेंट शेयरों में इतनी तेजी आई क्यों है। संदीप जी, अब मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कल पीएम का संबोधन है और अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं कि इंडस्ट्रीज को कुछ राहत मिल सकती है और उसमें एक सीमेंट इंडस्ट्री भी है, तो ऐसे में सीमेंट शेयरों पर अब आपकी राय क्या होगी?
बिल्कुल, देखिए सीमेंट स्टॉक्स आज बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किए हैं, एसीसी हो या हेडलबर्ग सीमेंट, मैंने काफी बार पहले रेकमेंड किया हुआ है, गुजरात अंबुजा, श्री सीमेंट भी अच्छा लगता है, राजस्थान का ही प्लेयर है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं प्लांट्स तो पार्शली ओपन तो करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत दिनों से जो डेंट पड़ा है तो मुझे लगता है कि ये कंपनियां अब जब काम करेगी तो सर्टेनली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में जो रुकावट थी उसका भी एक डिमांड का बेनिफिट मिलेगा उनको। ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी नीचे अब आ गए हैं इनके, क्योंकि कोल के कॉस्ट हो या क्रूड ऑयल हो, इनके कॉस्ट कम आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में भी कुछ ना कुछ सरकार डोल आउट भी करेगी, कल पीएम का स्पीच भी है, तो मुझे लगता है हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ बड़ी राहत की कोई ना कोई बातें रहेंगी, और सीमेंट सेक्टर तो सर्टेनली खुलेगा। और रिटेल प्राइसेस जैसा कि अभी बता रहे थे कि स्ट्रेंथन नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है। हेडलबर्ग सीमेंट पे ध्यान दें, श्री सीमेंट पे दिया जा सकता है, बाकी एसीसी आज अच्छा मूव दिया है, और इवन गुजरात अंबुजा भी बहुत अच्छा मूव दिया, सारे स्टॉक्स ने दिया है। सो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है, बट बहुत एग्रेसिवली बाइंग करें ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरऑल ये भी देखना कि आगे आने वाले दिनों में डिमांड पिकअप कैसे करती है। 6 से 9 महीने मुझे लगता है कि लल रहेगा इकोनॉमी में, और अननेसेसरी कंजम्पशन नहीं होगा, न्यू कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकता है कि लोग पोस्टपोन करें, और मॉनसून भी आगे है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव होके बाइंग नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ओवर एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी चाहिए, ये एक सुझाव है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। लेकिन कोरोना का एक बड़ा इंपैक्ट हमने आईटी सेक्टर के ऊपर भी देखा है, और कई आईटी कंपनियां अब तो तिमाही नतीजे भी टालने का विचार कर रही हैं। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं ये बताने के लिए हमारे साथ कुशल हैं। कुशल बताइए क्या है पूरी खबर। जी, तो एक्सेंचर के बाद कॉग्निजेंट जो है अपनी 2020 की जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है उसको रद्द कर दिया है, तो ये जो इम्पैक्ट है काफी सारी भारतीय आईटी कंपनियों पर आता हुआ हमें नजर आ सकता है। साथ ही अगर आप देखें तो उन्होंने रीजन जो साइड किया है वो है भारत और फिलीपींस में जो प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं उस वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है, और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी स्पेस में जो जो भी कंपनियां हैं उन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही अगर आप सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी सैप की बात करें तो उन्होंने भी अपने कैलेंडर ईयर 2020 की गाइडेंस 6 से 8% से घटाकर 1 से 3% केवल कर दी है, तो उसका भी जो भी भारतीय आईटी कंपनियां उसके सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करती हैं उन पर आता हुआ नजर आएगा। यहां पे एक्सपोजर की बात करें तो पर्टिकुलरली एचसीएल टेक, इंफोसिस, विप्रो जैसे जो कंपनियां हैं करीब 60% या उससे ज्यादा का एक्सपोजर जो है यूएस से ये लोग डिराइव करती हैं। साथ ही यूरोप जो अदर हाफ है वहां पर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर इनके रेवेन्यू का आता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एसएपी सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो है कुल एम्प्लॉई का जो हिस्सा है काफी सारी आईटी कंपनी का इसमें एक्सपोजर है। स्पेसिफिक अगर आप देखें तो एलएनटी, इंफोटेक और माइंडट्री ये दोनों जो है इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है, तो इन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है FY21 में यानी पर्टिकुलरली जो फर्स्ट हाफ है वहां पर हमें देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगले सत्र के लिए अनिल सिंघवी की बाजार पर क्या स्ट्रेटेजी है, और साथ ही आपको बताएंगे ऑप्शन का एक बेहतरीन ट्रेड। ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारा खास शो जारी है, और अब वक्त है ये जानने का कि बुधवार के लिए बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बने हुए हैं। अनिल जी, बुधवार के लिए निफ्टी के लिए अहम लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? बुधवार को जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो सबसे अहम ट्रिगर इस बात का होगा कि कल सुबह प्रधानमंत्री 10 बजे लॉकडाउन को लेकर देश के नाम क्या संदेश देते हैं। आमतौर पर बाजार ये मानकर चल रहा है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा इस महीने के अंत तक, लेकिन असली एक्शन इस बात पर होगा कि प्रधानमंत्री का टोन क्या है, वो किस अंदाज में बात करते हैं, कितने चिंतित हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं,
लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर, लॉकडाउन को धीमे धीमे हटाने को लेकर पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी की भाषा और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर बाजार की नजर रहेगी कि वो आगे के लिए किस तरह के संकेत देते हैं। अगर बाजार को ये संकेत मिला कि जी नहीं सिचुएशन बड़ी खराब है और अभी लॉकडाउन हटने में भी वक्त लगेगा और सिचुएशन सामान्य होने में भी लंबा समय लग सकता है, तो शायद फिर परसों बाजार के लिए मुश्किल हो। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री ये कहें कि नहीं लॉकडाउन से संकेत अच्छे आ रहे हैं, हम काबू में रख रहे हैं कोरोना को, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर बाजार को उतनी दिक्कत नहीं होगी। और इस सब के बीच में अगर प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंटली ये कह दें कि देखिए धीमे धीमे हम लॉकडाउन को खत्म करने के मूड में, क्योंकि हमारे यहां कोरोना उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा जहां विदेशों में बढ़ रहा है, तो भी बाजार को पसंद आएगा, तो अल्टीमेटली ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। इसके अलावा तो वही कोरोना के आंकड़े तो आपको हिंदुस्तान के और विदेशों के देखने ही है, और बाकी दुनिया भर के बाजारों में जो कुछ एक्शन होता है उस पर नजर रहेगी। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है मेक और ब्रेक वाला मामला जो बनेगा वो हमारे अपने बाजारों का, हमारे अपने संकेतों पर भी होगा, और पूरी तरह से ये डिपेंड रहने वाला है प्रधानमंत्री जी के भाषण पर। देखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं और बाजार उनसे क्या संकेत पड़ता है। जहां तक लेवल्स का सवाल है, 8600 से 8800 निफ्टी पर परसों के लिए मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा। 9100 से 9200 की रेंज ऐसी रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो 9100-200 को पार करके टिके तो 300-400 पॉइंट की तेजी के लिए निफ्टी तैयार होता हुआ दिखेगा, और 8600-8800 की रेंज को तोड़कर नीचे जाते हुए दिखे तो फिर 300-400 पॉइंट की गिरावट के लिए और बाजार तैयार होता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं किस तरह से आगे एक्शन होता है, पूरा होगा खबरों के दम पर ही। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका बाजार पर ये अहम रणनीति बताने के लिए। लेकिन संदीप जी, आपने इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से बताया कि कहां पर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन अगर किसी का नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आपकी सलाह क्या होगी? बिल्कुल, मैं जैसा कि कहते आया हूँ कि मुझे फार्मा, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, थोड़े बहुत इन टाइप के सेक्टर्स से ही बहुत सेक्टर स्पेसिफिक होते हुए मैंने स्टॉक को चुनने की कोशिश की है, और इस बार जो स्टॉक चुना मैंने इसी शो में 8000 के लेवल्स पे, इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ फरवरी फर्स्ट वीक मैंने रिकमेंड किया था और वो थोड़े ही दिन में टारगेट अचीव कर गया था और 11500 के लेवल्स भी देखने को मिले थे, और उस स्टॉक का नाम है टेस्टी बाइट ईटेबल्स। नाम जैसा है देखिए, बहुत ही टेस्टी स्टॉक में कहूंगा, और बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है बहुत ही एक्सपीरियंस प्रमोटर है, बहुत ही स्ट्रांग प्रमोटर बैकग्राउंड है कंपनी का, और जो सबसे बढ़िया बात है इस कंपनी को टेक ओवर, इसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसमें स्टेक लिया मार्स इनकॉर्पोरेटेड ने, जो कि बहुत बड़ी फूड प्रोसेसिंग की एक कंपनी है वर्ल्ड ओवर, और जब से उन्होंने लिया तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी और कंपनी का जो पहले से भी स्ट्रांग था और स्ट्रांग हो गया यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में। ये तो रही बात कंपनी के बेसिक प्रमोटर बैकग्राउंड और जो वर्ल्ड मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन की, बट दूसरी बात फंडामेंटल्स पे आते हैं तो करेक्शन बहुत बढ़िया हो चुका है, 9400 के लगभग अभी भाव आ चुके हैं और डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 32% का, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 26%, और प्रोमोटर की होल्डिंग है वो करीब 75%, पिछले 3 साल के अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 24% के लगभग है, 5 साल की करीब 50% की है। इन सबको देखता हूं तो ये स्टॉक आराम से 11500 का टारगेट अचीव करेगा, और उससे भी ज्यादा अगर देखें तो 13000 के लेवल्स भी ये क्रॉस करेगा, और मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है इस स्टॉक में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और सेल्स की ग्रोथ भी बहुत बढ़िया, 20% के कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है, सो सर्टेनली इस कंपनी को बाय करना चाहिए और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति भी रखनी चाहिए। जी जी, ओके ओके, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये शेयर आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अब वक्त है ऑप्शन की रणनीति बताने का। और ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं किरणजादव.com के किरण जादव। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं अगले सत्र के लिए यानी बुधवार के लिए ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके आप देख रहे हैं? देखिए, आश्चर्य की बात है, जहाँ पे सेल्स जीरो है तो वो स्टॉक बहुत बढ़ रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि शॉर्ट पोजीशंस काफी है इस स्टॉक में, तो मेरा मानना है कि जहाँ बाय करना चाहिए मैकडोवेल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अप्रैल का 570 का कॉल ऑप्शन जो कि करीबन 31-32 के करीब मिल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 26 रुपए का, और टारगेट के लिए 45 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुधवार के लिए।
ओके चलिए, बहुत शुक्रिया किरण जी आपका, संदीप जी आपका और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आगे का बाजार अभी कैसा रहने वाला है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।